क्या दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में मौज एप्लीकेशन पर मोबाइल नंबर टाइप करके किसी की प्रोफाइल को सर्च करना चाहते हो तो अपने मोबाइल में उस सेटिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो किसी बंदे की प्रोफाइल सर्च हो जाएगी, या किसी गर्लफ्रेंड की प्रोफाइल को सर्च करना चाहते तो भी फ्रेंड्स आप सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको पास में लेन घंटी दिख रही है उस घंटी को आपको और पर प्रेस कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा तो दोस्तों आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपका यहाँ पर मौज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप मौज एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस देखने आएगा, और गाइस आपको यहाँ पर दिखा दे रहा सर्च, उस पर आपको टैप कर लेना। जैसे आपको सर्च पर तो दोस्तों आपको इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके पास में किसी के मोबाइल नंबर है, उसके आपको प्रोफाइल को सर्च करना चाहते हो तो गाइस आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, सर्च का आइकन दिखाई दे रहा, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे दोस्तों उस पर क्लिक करोगे तो गाइस आप अपने मोबाइल नंबर टाइप करोगे तो किसी की यूजर आईडी आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। जैसे आप किसी के जैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं जैसे मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ तो किसी की प्रोफाइल नहीं दिखाई दे रही। तो गाइस आपको यहाँ पर बाहर आ जाना और अपने मोबाइल की सेटिंग गाइस आपको यहाँ पर सर्च कर लेना डिस्प्ले। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर लेना डिस्प्ले, डिस्प्ले को आपको ओपन कर लेना। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा डिस्प्ले को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे डिस्प्ले को ओपन करने बाद गाइस आपको नीचे इंटरफेस कर लेना। जैसे आप नीचे इंटरफेस करोगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा पॉकेट मोड, उस पर आपको ओपन कर लेना। जैसे उसको ऑन कर लोगे तो अपने मोबाइल में जो भी समस्या आ रही है या मोबाइल नंबर के टाइप करने पर किसी प्रोफाइल सर्च नहीं हो पा रही तो गाइस आपको पॉकेट मोड को ओपन कर लेना। जैसे आपको पॉकेट मोड ओपन करने बाद गाइस आपको फिर से मौज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है, मैं जैसे मौज एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और मैं आपका आप मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ तो अपनी फ्रेंड की आपको यहाँ पर आईडी दिखाई दे रही। जैसे आपने यहाँ पर मैं किसी मोबाइल नंबर टाइप किया और इसकी आईडी खुल के आ गई। तो गाइस आप भी अपने मोबाइल में मोबाइल नंबर से किसी की प्रोफाइल को सर्च करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो। तो चलिए गाइस ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आप इसी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।